2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे से अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान होगा तो वो होगी आम आदमी पार्टी, और उसका कारण सीधा सीधा है। आम आदमी पार्टी जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा की सीटें जीती थी और पंजाब में 4 लोकसभा की सीटें जीती थी, 2019 आते आते उनकी एक सीट जीतना भी भारी दिखाई दे रहा है। और जो एक सीट ऐसा लग रहा है कि शायद वो जीत जाए वो है भगवंत मान वाली सीट। इसके अलावा दिल्ली में उनका सपना साफ होता नज़र आ रहा है और 4 से 1 सीट पर ये पार्टी सिमटती जा रही है। जहाँ बाकी पार्टियाँ होती हैं, जो नई पार्टी बनती है वो जो अपना दूसरा चुनाव लड़ती है अधिकतर मौक़ों पर पहले चुनाव से अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी बिल्कुल निचले स्तर पर आ चुकी है। और इसका कारण क्या है, आखिर अरविंद केजरीवाल के इस तरह से फॉल का कारण क्या हो सकता है? तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों की तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान डालें। ज़रा याद कीजिए 2019 का पूरा लोकसभा चुनाव का कैंपेन अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल जब भी भाषण देते थे हमेशा सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में, और इसका कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। चाहे लोग मोदी से परेशान भी थे, लेकिन एक बात देखने को मिली कि लोग मोदी के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं थे और लोग फिर भी पीएम मोदी को बनाना चाहते थे। अब इसको मार्केटिंग का असर कहिए, ब्रांडिंग का असर कहिए, या कुछ भी कहिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस पर भी हमले किए और लोग इस बात को लेकर भी श्योर नहीं थे कि अगर अरविंद केजरीवाल 5-6 सीटें जीत भी गए तो वो क्या करेंगे उनका। और इसीलिए दिल्ली में लोगों ने आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को ज़्यादा तरजीह दी और इस सूरत में वोट बट गया, एंटी बीजेपी वोट बट गया और साथ ही साथ सीटें बीजेपी जीत सकती है। वहीं जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव डिक्लेयर किए थे तो अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी विवाद भरा बयान दिया था कि इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि मुसलमान वोट डाले, इसीलिए रमज़ान में चुनाव करा रहा है। जबकि इलेक्शन तो हमेशा इसी मौसम में होते हैं, रमज़ान या दिवाली होली को देखकर चुनाव कभी नहीं हुए, चुनाव होते हैं अपने टाइम पे। और चुनाव होने का टाइम होता है अप्रैल मई। अब अगर अप्रैल मई में है रमज़ान तो है चुनाव, रमज़ान की वजह से आगे पीछे नहीं हो सकता, ये हमेशा से होता आया है। और वहीं अब जब चुनाव हो गए हैं तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से तैयार है ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने को, और उन्होंने इस बात के संकेत दे भी दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भी कहना है कि चुनाव आयोग ने रमज़ान में चुनाव करवा के गलत किया, पूरे मुस्लिम वोट नहीं डाल पाए। क्या ये तो बिना फालतू की बातें हैं, जिसको वोट डालनी होती है वो डालता है, जिसको नहीं डालनी होती नहीं डालता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसे बयान दिए, शायद वो एक हास्य का पात्र बनकर रह गए। अब अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी 2020, जहां बीजेपी किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाना चाहेगी और किसी भी कीमत पर वहां पर अपनी सत्ता लाना चाहेगी। और अरविंद केजरीवाल के सामने अपना घर बचाने की चुनौती होगी, जहां पर 2015 में उन्होंने क्लीन स्वीप किया था। क्या वो 2020 में क्लीन स्वीप करवाएंगे, इसकी उम्मीदें कम है। लेकिन जो भी हो, एक बात तो साफ है, बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार होगी 2020 में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से दफा करने को। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।